बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विलेज फूड सीज़न में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें कुछ टिप्स दिए थे हमने गोश्त गलाने के लिए। दोस्तों, कुर्बानी करने के बाद आंडू बकरे की गोश्त में से स्मेल आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये आंडू बकरा जो है अपना पेशाब पीता रहता है, जिसकी वजह से इसके गोश्त में स्मेल आता है। तो उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम एक नया और जदीद तरीका आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हो, काइंडली दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और विलेज फूड सीज़न की वीडियोस को लाइक ज़रूर कर लिया करें। दोस्तों, बकरा ईद में अक्सर ये मसाइल सामने आते हैं, तो इसमें से बहुत ही आसान तरीका है इसका स्मेल ख़त्म करने का। आप गोश्त को पहले अच्छी तरीके से धो लें और इसके अंदर जो गंदा पानी है वो आप गिराएंगे। गिराने के बाद आप इसके अंदर 1.5 से 2 चम्मच, ये 2 किलो गोश्त है, 2 किलो में तकरीबन 3 चम्मच जाएगा बड़े वाले, तो आप 3 चम्मच सिरका ऐड करेंगे। सिरका ऐड करने के बाद जो पानी होगा, तकरीबन 1 गिलास के करीब आप इस गोश्त के अंदर पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके जो सिरके वाला पानी है वो आपने ज़ाया करना है, और गोश्त को दोबारा आपने रिफ़्रेश करके धोना है। तो दोस्तों, इस अमल से ये गोश्त बिल्कुल कारामद होगा और इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का इस वीडियो को वॉच करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नई चीज़ लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।